DCW ने दो महिलाओं की हत्या पर दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। केंद्र सरकार से की ये मांग। चौथी मालीवाल ने कहा राजधानी दिल्ली बहुत ज्यादा अनसेफ। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों के 24 घंटे में दो महिलाओं की हत्या के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस पर संज्ञान लिया है। महिला आयोग ने मालवीय नगर में 25 वर्षीय लड़की की हत्या पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उन मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है जिनमें कहा गया है कि अरबिंदो कॉलेज मालवीय नगर के पास एक व्यक्ति ने लड़की पर कथित तौर पर लोहे की रॉड से हमला किया था। इससे लड़की की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस हमले के बाद आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा था। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा पिछले 24 घंटे में दिल्ली में दो घटनाएं हुई हैं। डाबड़ी में एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि मालवीय नगर में एक अन्य की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े युवती की हत्या से पता चलता है कि राजधानी में महिलाएं और लड़कियां कितनी असुरक्षित हैं। राजधानी में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। केंद्र सरकार महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराधों पर पुलिस की जवाबदेही क्यों तय नहीं कर पा रही है? या वैसे ही है जैसे हर रोज अखबारों में लड़कियों के नाम बदलते हैं लेकिन उनके खिलाफ अपराध बदस्तूर जारी रहते हैं। मैं केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाने का अनुरोध करती हूं, जिससे महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा सके। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर दो दो महिलाओं की हत्या के बाद DCW की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और बहुत ज्यादा अनसेफ है। केंद्र सरकार को दिल्ली पुलिस की जवाबदेही तय करनी चाहिए। स्वाति मालीवाल ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग पुलिस नोटिस जारी करेगा और इन हत्याओं पर जवाब तलब करेगा। साथ हो रहे हिंसा को लेकर कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को एक मीटिंग बुलानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।